हेलो बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर कौन है? तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर वो होगा जिसके अंदर क्या होगा बच्चों, एनर्जी कैरियर्स होंगे। अब हम देख लेते हैं किसके अंदर एनर्जी कैरियर है और किसके अंदर एनर्जी कैरियर नहीं है। सुगर सॉल्यूशन, यहाँ पर कोई भी आयंस नहीं होते हैं, आयंस नहीं है, एनर्जी कैरियर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवाएगा। कुकिंग ऑयल्स, यहाँ पर आयंस नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। डिस्टिल्ड वाटर एकदम प्योर है, यानी कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं है, और इम्प्योरिटीज़ ना होने की वजह से इसके पास भी आयंस नहीं है, और आयंस नहीं है तो इसमें भी करंट फ्लो नहीं होगा। पर अगर हम बात करें टैप वाटर की, तो बच्चों टैप वाटर में होती है बहुत सारी इम्प्योरिटीज़, यानी हम कह सकते हैं सॉल्ट होते हैं, और उन इम्प्योरिटीज़ की वजह से इस टैप वाटर में होते हैं आयंस, जो कि एज अ एनर्जी कैरियर वर्क करते हैं, और एनर्जी कैरियर वर्क करेंगे यानी इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर आसानी से फ्लो हो जाएगी। तो कौन हुआ इसमें से गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? टैप वाटर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया है। थैंक यू वेरी मच।